प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। मैं आपको ब्लाउज का लेंथ दिखाती हूँ। मैंने ब्लाउज को 14 इंच रखा है और 3 इंच की गले की चौड़ाई देते हुए यहाँ से मार्क कर लेते हैं। अब नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई देते हुए हम मार्क कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड से मार्किंग कर दी है। मैं गले का लेंथ ले रही हूँ, तो मैं गला जो है 10.5 इंच की लेंथ में रख रही हूँ। तो 10.5 इंच की लेंथ में देखिए मैंने बराबर मार्क कर दिया है। अब सबको मैं एक बराबर लाइन में बराबर करके साइज कर लेती हूँ। तो मैंने देखिए लाइन कर लिया है। अब मैं 1.5 इंच पे एक मार्किंग और कर रही हूँ। कहाँ से कर रही हूँ आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम देखिए बराबर कर दिए गले के साइड से। अब मैं यहाँ से मार्क करते हुए एक निशान में लगाऊंगी और 1.5 इंच का जो है 1/2 इंच का यहाँ पे देखिए मैंने गले से एक्स्ट्रा लिया है। अब वहीं से देखिए मैं सेम कट कर रही हूँ। तो मैंने गला जो है कट कर लिया इस तरह के। अब मैं ब्लाउज का कपड़ा ली हूँ, इसको भी सेम ऐसे ही कट करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर को कट किया है। तो इसका भी गला कट चुका है। चलिए मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो अस्तर और कपड़े को बराबर करते हुए पहले हम गले को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने गले को स्टिच कर दिया है। अब मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से जो है कट लगा लीजिएगा, फिर इसे उलट कर सीधा कर देंगे। अब गला मैंने सीधा कर लिया है। इस पर सिलाई लगाते हुए पूरा हम पहले स्टिच कर लेंगे एक बार। तो अगर इस चैनल पहली बार विजिट किए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अब मैं पूरा इसके ऑल राउंड स्टिचिंग करूँगी। तो अस्तर और कपड़े को बराबर करते हुए पूरा स्टिच कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगे और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए डिज़ाइन बनाती हूँ। तो मैंने देखिए पूरे ब्लाउज को स्टिच कर लिया है। अब चलिए मैं आपको गले में डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। ये ब्लाउज की जो आस्तीन पे लेस निकली थी मैं वही लेस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसी लेस ना हो तो ऐसी लेस बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो पहले देखिए मैं दोनों साइड से लेस लगा लेती हूँ और इसको गले के बराबर में ऐसे रखते हुए जो है बराबर कर लीजिएगा। जिस तरीके से गला हमने कट किया है वी शेप में, वैसे इस साइड से भी लेस को भी कट कर देंगे। तो मैंने देखिए दोनों साइड से लेस को स्टिच कर लिया बिल्कुल। अब लेस को हम उसी डिज़ाइन में कट कर लेंगे जैसे मैंने मार्क किया है। इस साइड से देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, दूसरे साइड से भी सेम ऐसा कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली बना लिया है। अब मैं कज बना के पूरा जो है डिज़ाइन स्टिच करूँगी। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको थोड़ा मैं चौड़ी वाली एक पट्टी स्टिच कर लेती हूँ। तो देख लीजिए मैंने चौड़ी वाली पट्टी स्टिच कर दी है। अब हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसे निकाल देते हैं कट करके। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया। अब इसको मैं उलट कर सीधा कर लेती हूँ। तो ये देख लीजिए सीधा हो चुका है। अब चलिए इसके दोनों साइड से हम सिलाई लगा के इसको बना लेते हैं। एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है, सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए दोनों साइड से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है। अब 1.5 इंच की लंबाई पे हम इसको कट करेंगे क्योंकि हमें कज बनाना है। तो 1.5 इंच की लंबाई पे हम इसको कट कर लेते हैं। तो पूरा बराबर कर लेंगे 1.5 इंच के ही लंबाई पे, जितने एक पट्टी में आ सके उतना हम ले लेंगे कज को। तो देखिए मैंने बराबर कर दिया। अब इसको मैं अलग अलग करके कट कर लेती हूँ पूरा। ये देख लीजिए मैंने पूरा कट कर दिया है कच को। अब इसको एक साइड रखेंगे और इससे जो है मैं पतली वाली डोरी बनाऊंगी बिल्कुल। तो
बिल्कुल पतली वाली हम डोरी बना लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है, अब इसे हम उलट कर सीधा कर देते हैं। तो ये मेरा सीधा हो चुका है। अब चलिए मैं आपको इससे डिजाइन बना के दिखाती हूँ कैसे हम दोनों डोरियों से डिजाइन बनाएंगे। तो इस डोरी को एक साइड कर लेंगे जो पतली वाली डोरी है, और ये मैंने कट जो कट किया था इसको मैं ले लेती हूँ। और ये मैंने ब्लाउज जो मैंने अभी बना के रखा है, अब इसके नीचे के साइड मुझे डिज़ाइन करनी है। तो देख लीजिए मैं कैसे इस पर डिज़ाइन करूँगी, आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो इसकी सहायता से देखिए मैं पहले डबल फोल्ड करती हूँ, मैं कच को जो मैंने अभी कट किया था 1.5 इंच की लंबाई पर उसको मैं डबल फोल्ड करके फिर स्टिच करूँगी। तो देखते रहिए वीडियो में, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे आपको भी करना है। और अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करके डिज़ाइन बनाती हूँ। और अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी और लाइक करेंगे वीडियो को तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ऐसे ही डिज़ाइन लेके आती रहूँगी। तो अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो देखिए ये मेरा लास्ट काज है, इसको भी कच को मैं स्टिच कर लेती हूँ अच्छे से, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने देखिए इसको पूरा अच्छे तरीके से कच वाले डिज़ाइन को स्टिच कर दिया है। अब जो मैंने पतली वाली अभी डोरी बनाई थी इसके अंदर से हम डाल देते हैं सब में, बिल्कुल बीचों बीच से हम डाल के इसमें डाल लेंगे। तो पहले मैं एक बार पूरा डोरी डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे डोरी से हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो मैंने देखिए पूरा डोरी डाल दिया, अब जितना डोरी में यूज़ में लाना है तो उसी हिसाब से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा जो कच के बीच में गैपिंग है वहाँ से डोरी को निकाल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें डिज़ाइन करना है। तो इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा, वीडियो में बिल्कुल क्लियर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि मैं कैसे कर रही हूँ इसको। ये देख लीजिए मैंने थोड़ा थोड़ा देखिए निकालते हुए डोरी को डिज़ाइन कर लिया है, अब जो एक्स्ट्रा उसे कट करके निकाल देंगे। अब इसके ऊपर हम जो है लैस लगा के इसे डेकोरेट करेंगे, तो मैं लैस ले लेती हूँ और इसके ऊपर से बिल्कुल लगा देंगे लैस को। तो मैंने लैस देखिए ले लिया, अब यहाँ से मैं स्टिच करते हुए चलिए लैस को मैं आपको अच्छे तरीके से सिलाई लगा के स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो डोरी को बिल्कुल लेस के अंदर फंसाते हुए फिर स्टिच कीजिएगा और यहाँ से लॉक कर लीजिएगा, तो इससे आपका धागा खुलेगा नहीं। और यहाँ से थोड़ा वी शेप में करते हुए लेस को फोल्ड करके वी शेप कर लीजिएगा बीच में, फिर सिलाई लगाइएगा। अब मेरा लास्ट आ गया, यहाँ से भी लेस जो एक्स्ट्रा था उसे कट करके मैंने निकाल दिया, अब इसको स्टिच कर लेते हैं अच्छे से। ये देख लीजिए मैंने पूरा अच्छे तरीके से लैस को स्टिच कर दिया है। अब जो मैंने डोरी डाली थी पतली वाली उस पर मुझे जो है मनी लगानी है, छोटी वाली मोती जो गोल्डन कलर की, देखिए मैंने ले लिया है ये बिल्कुल छोटी वाली गोल्डन कलर की मोती, आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो मैं नीडल्स की सहायता से यहाँ पर मोतियों को लगाऊँगी, और कहाँ पर लगाऊँगी आप वीडियो में बिल्कुल क्लियर देख लीजिए, वैसे आप भी अपने ब्लाउज पर जो है मोती को लगा लीजिएगा जैसे मैं आपको लगा के वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए जो मैंने अभी डोरियों को बाहर के साइड निकाला हुआ है थोड़ा थोड़ा, वहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में हम मोतियों को लगाएंगे। और गोल्डन कलर की मैं छोटी वाली मोती यूज़ कर रही हूँ, अगर आप बड़ी वाली मोती लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, वो भी मोती लगाने पे डिज़ाइन अच्छा लगेगा।
तो देख लीजिए मैं कैसे लगा रही हूँ मोतियों को। ऐसे ही हम जितने भी डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है डोरी से, उस सब पे हम इसी तरीके से पूरा मोती लगा लेंगे। तो मैंने इतना देखिए आपको लगा कि दिखा दिया, ऐसे मैं पूरा लगा लेती हूँ। तो देख लीजिए मैंने पूरे डिज़ाइन पे मोतियों को लगा दिया, ये कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं गले के साइड से डोरी लगा लेती हूँ। तो मैंने देखिए डोरियाँ लगा लिया गले पे, बिल्कुल कंप्लीट है ब्लाउज। मैं आपको डोरियों को बांध के दिखा देती हूँ। अगर आप मार्केट्स की खरीदी हुई डोरी चाहते हैं, रेडीमेड डोरी, तो भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा दिखेगा। तो ये देख लीजिए मैंने डोरियों को लगा लिया। ये मेरे ब्लाउज डिज़ाइन देख लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपने इस चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपके लिए और भी डिज़ाइनर जो है ब्लाउज़ बन लेके आती रहूँगी, डिज़ाइनर ड्रेस भी लेके आते रहेंगे। अगर आप कोई डिज़ाइनर ड्रेस या ब्लाउज मेरा परचेज करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।